नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। साथियों, आज 17 जुलाई और इस समय की इस वीडियो के तहत शिक्षा विभाग और अन्य डिपार्टमेंट जुड़ी आपको 4 से 5 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं हर प्रकार की अपडेट के लिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आइए जान लेते हैं इस समय की बड़ी खबरें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पेपर लीक पर सख्ती जरूरी। जूली ने कहा, हम मछलियों को पकड़ रहे हैं, मगरमच्छ खुले घूम रहे हैं। विधानसभा में बजट पर बहस के अंतिम दिन, यानी कल नेता प्रतिपक्ष जो टीकाराम जूली है, उन्होंने सरकार पर जो है 40 बार हमले किए। और जूली ने कहा कि इनके दो दो मंत्री अग्निवीर हो गए, एक तो मंत्री बने लेकिन चुनाव हार गए और दूसरे मंत्री बने और इस्तीफा दे दिया। पेपर लीक के मामले में जूली ने कहा कि हम सिर्फ मछलियों को पकड़ रहे हैं और मगरमच्छ खुले में घूम रहे हैं। पेपर लीक बच्चों को आगमने से रोक रहा है। सदन की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर इस पेपर लीक का सफाया करें और हमारे एक दूसरे पर आरोप लगाने से उन बच्चों का भविष्य नहीं बन रहा है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। बीजेपी को यहाँ पर देख सकते हैं, बीजेपी को अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी कर दिया खारिज, ये भी उन्होंने कहा। और इसके अलावा बजट के पहले पन्ने में ही कांग्रेस पर खींच उतारी। जूली ने कहा कि हर बजट की एक प्राथमिकता होती है, आपकी प्राथमिकता क्या है? आपने अपनी 10 प्राथमिकता में गरीबों को 9वें नंबर पर रखा है, गुड गवर्नेंस को यहाँ पर 10वें नंबर पर रखा है और बजट में 4 लाख नई नौकरियों की जो घोषणा की है सरकार में, 4 लाख तो पद ही खाली नहीं होंगे, आप इतनी नौकरियां कैसे देंगे? आपने जो है पहले पेज पर कांग्रेस पर खींच उन्होंने उतारी है, ये भी कहा है। और ईआरसीपी को लेकर के कहा है कि एमओयू कहा है, ईआरसीपी योजना को लेकर कहा कि यह बीजेपी सरकार की योजना थी लेकिन केंद्र ने इसे लटकाए रखा। और अब बीजेपी सरकार आने के बाद एमओयू किया है, 6 महीने हो गए। ईआरसीपी पर दिल्ली में सीएम यहाँ पर एमओयू करके आए थे, वो एमओयू कहाँ है? वो एमओयू आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हो? और आपने मध्य प्रदेश के आगे राजस्थान के हितों को गिरवी रखा, इसलिए एमओयू को छिपा रहे हैं। सीएम साहब इनको मंत्री बना दो। मंत्री जूली ने बजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और कुछ विधायक बार बार टोक रहे थे तो जूली बोले, मुख्यमंत्री जी यहाँ कुछ लोग सदन में ऐसे मानने वाले नहीं है, इनको मंत्री बना दीजिए, आप 3-4 और मंत्री बना दो। अजय सिंह के कहने पर यहाँ पर ये टिप्पणी उन्होंने की। कोचिंग वाले मगरमच्छ बने लूट रहे इसलिए सुसाइड बढ़े, ये भी उन्होंने कहा, आप देख सकते हैं। और ओपीएस को लेकर के कहा, ओपीएस जारी रखोगे या नहीं जवाब दो। जूली ने कहा कि आप ओपीएस को जारी रखना चाहते हैं या नहीं, यह सदन में क्यों नहीं बताते? उन्होंने अफसर दीर्घा की तरफ कहा कि ये मेरी बात से सहमत है तो एक स्माइल दें, इस पर कई से मुस्कुराए, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बजट ने केवल नौकरियों की घोषणा करने से ही काम नहीं चलेगा, आप पहले इनका वर्गीकरण कीजिए, मनीष यादव विधायक छात्रा उन्होंने ऐसा कहा है। इसके अलावा छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की के बाद छात्रों ने दी यह चेतावनी। छात्र संगठन ऐसा यहाँ पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। भरतपुर में एनएसयूआई छात्रों ने यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के बहाल को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और एनएसयूआई छात्र जिला कलेक्टर कार्यालय से पैदल मार्च निकालते हुए सीएम जन सुनवाई केंद्र की ओर आगे बढ़े तो पुलिस बल ने उनको यातायात चौराहे पर रोक लिया। इस दौरान पुलिसकर्मी और एनएसयूआई छात्रों के बीच धक्का मुक्की देखने को मिली और मौके पर एसडीएम पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन लेकर के छात्रों को आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी बात सीएम तक पहुंचा दी जाएगी। ये आप देख सकते हैं छात्र संघ चुनाव लेकर अपडेट। और मेवाड़ विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्री बनवाने में सहयोग करने वाला गिरफ्तार। एसओजी ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री प्रकरण में एक और आरोपी भीनमाल निवासी महेंद्र सिंह बिश्नोई को मंगलवार अजमेर कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। और आरोपी कोर्ट के बाहर जो घूम रहा था, मुखबिर से मिली सूचना पर एसओजी ने उसे घर यहाँ पर धर दबोचा। महेंद्र प्राथमिक अध्यापक परीक्षा में डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा देते हुए पकड़े जाने के बाद से जयपुर जेल में बंद था, ये भी आप देख सकते हैं। और पिछले दिनों जमानत पर बाहर आया और फरार हो गया था। इसके अलावा तृतीय श्रेणी के 402 अतिरिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन शुरू। प्रदेश के 134 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और 402 शिक्षकों के अतिरिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति चयन के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 15 जुलाई से आवेदन मांगे गए हैं और आखिरी तारीख 22 जुलाई रखी गई है। तृतीय श्रेणी L1 के इन शिक्षकों की जो प्रतिनियुक्ति मॉडल स्कूलों में शिक्षा परिषद द्वारा लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के बाद की जानी है, ये भी आप देख सकते हैं। हालांकि साथियों, इंटरव्यू के बारे में आप यहाँ पर निश्चित अपडेट नहीं है, लिखित परीक्षा ही दिया है, देखते हैं आगे क्या अपडेट आती है। और एमसीसी ने मेडिकल कॉलेजों से सीटों की डिटेल मांगी, 20 जुलाई के बाद शुरू हो सकती है काउंसलिंग, नीट पर अगली सुनवाई 18 को। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने यहां पर मेडिकल कॉलेजों को सीट की डिटेल जारी करने के लिए कहा है और इसके लिए 20 जुलाई तक का समय दिया गया है।
कॉलेजों को एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट ncc.nic.in पर जाकर के ये डिटेल्स जमा करनी होगी, ये भी आप देख सकते हैं। और शिक्षा विभाग कक्षा 9 से 12 तक स्कूलों में प्रवेश की तिथि बढ़ी, पहले 31 जुलाई तक प्रवेश अब हो सकेंगे, पहले 15 जुलाई इसकी अंतिम तिथि रखी गई थी। और यहां पर घुमंतु परिवार के बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार, देख सकते हैं आप, मदन दिलावर शिक्षा मंत्री। अब आपको ले चलते हैं और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, सेकंड ग्रेड भर्ती विभिन्न सब्जेक्ट के यहां पर मंडल आवंटन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से अपडेट है। शिव निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग अजमेर, बीकानेर, चूरू, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2022 विषय विज्ञान टीएसपी अथवा नॉन टीएसपी में निर्धारित दिनांक तक कार्यक्रम नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची और मूल सूची से चयनित और अभिस्थापित अभ्यर्थियों की संभाग आवंटन और नियुक्ति के संबंध में, आप ये सभी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं काउंसलिंग दिनांक 19 जुलाई, ये पूरी सभी सब्जेक्ट की यहां पर दी हुई है। आगे अगली सब्जेक्ट का भी आप देख पाएंगे इसमें, ये देख सकते हैं अंग्रेजी, और इसके बाद में अन्य सब्जेक्ट का भी इसी प्रकार से जो है संभाग आवंटन लिस्ट और ये आदेश जारी हो चुके हैं। हिंदी और यहाँ पर ये गणित। तो साथियों ये थी इस वीडियो के तहत इस समय की बड़ी खबरें, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। साथियों वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।